दोस्तों हीरो की एक्सट्रीम 160R का भी 2023 न्यू मॉडल मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले TVS के पाचे RTR 164V का न्यू मॉडल टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हुआ था और अब हीरो की एक्सट्रीम 160R का 2023 मॉडल टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हो गया है। सो अभी बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि हीरो भी एक्सट्रीम 160R का एक नया मॉडल मार्केट में लेके आने वाली है जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो की एक्सट्रीम 160R के 2023 न्यू मॉडल के बारे में। इस बाइक के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इस बाइक का प्राइस होगा, कब तक ये बाइक मार्केट में लॉन्च होने वाली है, इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही 1,50,000 रुपए में 200 सीसी से लेके 250 सीसी सेगमेंट की बाइक्स आ जाती थी, लेकिन आजकल 1,50,000 रुपए के अंदर सिर्फ 150 सीसी सेगमेंट की बाइक्स आती है क्योंकि बाइक्स का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो स्मॉल सीसी सेगमेंट की बाइक्स का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से कंपनीज आजकल स्मॉल सीसी सेगमेंट की बाइक्स के अंदर भी फीचर्स काफी अच्छे ऑफर कर रही है और इसका एग्जाम्पल रिसेंटली हम देख चुके हैं पल्सर N160 के अंदर, जिसके अंदर बजाज ने डुअल चैनल ABS दे दिया है और TVS ने अपाचे RTR 164V के अंदर काफी सारे अच्छे फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स ऑफर किए हैं। और हीरो की एक्सट्रीम 160R इकलौती ऐसी बाइक है जिसके अंदर LED इंडिकेटर्स हैं, ऑल LED लाइट्स का सेटअप है और यामा की FGS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है माइलेज। 150-160 सीसी सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं सभी बाइक्स के अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट जरूर है, लेकिन हीरो की एक्सट्रीम 160R एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर माइलेज भी काफी अच्छी मिल जाती है, बाइक के अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे हैं और बाइक काफी पावरफुल भी है। लेकिन इस बाइक का जो न्यू मॉडल मार्केट में आने वाला है उसके अंदर चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली ये बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हुई है। जयपुर में इस बाइक को टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया गया है और बाइक की जो पिक्चर्स लीक हुई हैं उनसे ये कंफर्म हो गया है कि इस बाइक के अंदर रियर में हमें ज्यादा बड़ा वाइड टायर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम 160R करंटली जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर 130/70 सेक्शन का रियर टायर है, लेकिन अभी जो बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हुई है उसके अंदर रियर में 140/70 सेक्शन का टायर है। सो इस बाइक के अंदर काफी अच्छा बड़ा टायर आएगा पीछे जिसकी वजह से बाइक के लुक्स और ज्यादा अच्छे लगेंगे। और सेकंड चेंज के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली हीरो ने एक्सट्रीम 160R का एक स्टील्थ एडिशन 2.0 लॉन्च किया था जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स ऑफर किए हैं। सो ये सभी जितने भी फीचर्स हैं ये सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, कनेक्टेड फीचर्स एक्सट्रीम 160R के 2023 मॉडल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। बाइक का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा उससे लेकर टॉप मॉडल के अंदर कनेक्टेड फीचर्स दिए जाएंगे। और थर्ड चेंज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हीरो की एक्सपल्स 200 4V के जैसे ही हीरो एक्सट्रीम 160R के अंदर भी एक 4V एडिशन लॉन्च कर सकती है जिसके अंदर हमें 2 वाल्व्स की जगह पे 4 वाल्व्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर हमें 163 सीसी का एयर कूल्ड 4 वाल्व इंजन देखने को मिलेगा जिसकी पावर 16 PS के आसपास होगी, क्योंकि 160 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर कम्पीट करने के लिए इस बाइक की पावर थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि TVS के अपाचे RTR 164V अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद N160 की भी पावर काफी अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम 160R की पावर थोड़ी सी कम है। सो अगर इस बाइक की पावर आउटपुट 16 PS के आसपास होती है तो फिर ये बाइक इस सेगमेंट में काफी और अच्छे से कम्पीट कर सकती है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर हमें 4 वाल्व इंजन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से बाइक की पावर ज्यादा होगी और इस बाइक की सेल्स को बूस्ट करने के लिए हीरो इस बाइक के अंदर 4 वाल्व इंजन ऑफर कर सकती है। और फोर्थ चेंज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में पल्सर N160 के जैसे एक ड्यूअल चैनल ABS का वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि बजाज ने पल्सर N160 के अंदर ड्यूअल चैनल ABS ऑफर करके एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया है और उसको अभी बाकी कंपनीज भी फॉलो करेंगी, जैसे कि TVS के RTR 164V भी मार्केट में आने वाली है जिसके अंदर ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन आएगा। सो एक्सट्रीम 160R के 2023 मॉडल के अंदर भी ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल सकता है और बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का जो ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट होगा उसका एक्सशोरूम प्राइस 1,28,000 रुपए के आसपास होगा और बाइक का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा उसका एक्सशोरूम प्राइस 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए के आसपास बढ़ेगा, यानी कि बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस 1,22,000 रुपए के आसपास होगा और टॉप वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस 1,30,000 रुपए के आसपास होगा। और दोस्तों लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो हीरो इस बाइक अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेके आ रही है। सो अभी आप मार्केट में अगर कोई भी 160 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक परचेज करने वाले हो तो आप हीरो की एक्सट्रीम 160R के 2023 मॉडल का भी वेट कर सकते हो जो अभी अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आ जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की अपडेट हीरो की एक्सट्रीम 160R 2023 मॉडल के बारे में जो मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है जिसके अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको इस बाइक से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये आप जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।